क्या आपने कभी सोचा है कि अगर रुक्मणी लक्ष्मी की अवतार है तो राधा कौन थी? दोस्तों, अयोध्या लौटने के बाद भगवान राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था। माता सीता अपने बच्चों के साथ 11 साल वन में रही। उस दौरान भगवान राम ने एक यज्ञ करवाया, लेकिन इस यज्ञ में वो अपनी पत्नी के बिना नहीं बैठ सकते थे। यज्ञ को पूरा करने के लिए एक सोने की सीता बनाई गई और भगवान राम के बाजू में बिठाई गई। यज्ञ पूरा होने के बाद वो सोने की सीता भगवान राम को माता सीता की याद दिलाने लगी। तब भगवान राम ने सोचा कि अब इस सीता को विसर्जित कर देना चाहिए। तब सोने की सीता ने भगवान राम से कहा कि मुझे तो आपने खुद से दूर कर दिया, कम से कम मुझे इस रूप में तो अपने पास रख लेते। तब भगवान राम ने कहा कि सीता, जितने दिन तुम मुझसे दूर रही हो उतने दिन तुम पास भी रहोगी, लेकिन इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। द्वापर युग में वही सोने की सीता ही राधा रानी थी, जो 11 वर्षों तक भगवान कृष्ण के साथ रही। दोस्तों, राधा वही शक्ति थी जो मूर्ति के रूप में थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें।